Okay.
लॉन्ग मिलन, आगे बात करते हैं अपने लॉन्ग मिलन, लॉन्ग मिलन, लॉन्ग मिलन, लॉन्ग मिलन, इसका प्रोटीन का नाम क्या है? ओकोमिस मिलो वैरायटी यूटिली यूटिली समस, ठीक है? प्रोटीन इसका ट्रॉपिकल में रिपीट है, क्रोमोसोम में प्रोटीन कोड है, एनिमल पार्ट फूड सब, ठीक है? आगे बात करते हैं लॉन्ग मिलन, जिसे ककड़ी कहा जाता है, ककड़ी, ठीक है? बॉटनी का है ओकोमिस मिलो वैरायटी यूटिली समस, और ओरिजिन इसका ट्रॉपिकल अमेरिका, क्रोमोसोम नंबर 24, एडिबल पार्ट फ्रूट्स है, ठीक? आगे कौन सा शुरू होगा? आगे तो होगा गेरकेन, आगे कौन सी आगे क्रॉप है? गेरकेन, गेरकेन, गेरकेन का क्या नाम है? बोटे का नाम है कुकुमिस, कुकुमिस एंजुरिया, कुकुमिस एंजुरिया, एंजुरिया, कुकुमिस एंजुरिया, और इधर क्या इसका? ट्रॉपिकल अमेरिका, ट्रॉपिकल अमेरिका, उत्पत्ति स्थल जो इसका ट्रॉपिकल अमेरिका, क्रोमोसोम नंबर 24, एडिबल पर पनीर का बाकाव सा फ्रूट, ठीक है? कुकर टेस्ट में अगली जो होता है क्रॉप नेम है गेरकेन, बॉटनिकल नेम है कुकुमस एंजुरिया, ओरिजिन ट्रॉपिकल अमेरिका, क्रोमोसोम नंबर 24, एडिबल पर फ्रूट, कुकर टेस्ट में टोटल 20 क्रॉप आती है वेजिटेबल की, वेजिटेबल की टोटल 20 क्रॉप आती है, सबसे बड़ा क्रॉप वेजिटेबल, वेजिटेबल फैमिली सबसे बड़ी कुकर टेस्ट है, ठीक है? आगे देखते हैं क्रॉप में वाटरमेलन, 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 बॉटनिकल नेम होता है इसका सिट्रुलस, सिट्रुलस लेनाटस, लेनाटस, ठीक है? ओरिजिन इसका सेम ट्रॉपिकल अमेरिका, क्रोमोसोम नंबर 22, एडिबल पार्ट फ्रूट, ठीक है? वाटरमेलन में इसका बॉटनिकल नेम क्या है? सिट्रुलस लेनेटस, और ओरिजिन इसका ट्रॉपिकल अमेरिका, क्रोमोसोम नंबर 22, हनी के बाद कौन सा इसका क्रोप? आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्रोप की, नेक्स्ट क्रोप है ग्राउंड मिलन, ग्राउंड मिलन, कौन सी क्रॉप है? ग्राउंड मिलन, ठीक है? ग्राउंड मिलन क्रॉप नेम क्या है? ग्राउंड मिलन, बॉटनिकल नेम सिट्रुलस लेनेटस वैरायटी फिस्टुलस, ठीक है? ओरिजिन इसका सेम ट्रॉपिकल अमेरिका, ट्रॉपिकल अमेरिका, क्रोमोसोम नंबर 22 है, एडिबल पार्ट फ्रूट है, ठीक है? कुकर टेस्ट में क्रॉप नेम है ग्राउंड मिलन, बॉटनिकल नेम सिट्रुलस लेनेटस वैरायटी फिस्टुलस, ओरिजिन इसका ट्रॉपिकल अमेरिका, क्रोमोसोम नंबर 22, एडिबल पार्ट का नेम क्या था? क्या इसका फ्रूट, ठीक है? आगे बात करते हैं पंपकिन, देखिए पंपकिन, पंपकिन का ट्रॉपिकल नेम क्या होता है? कुकुरमिका मेस्टाटा, ठीक है? ओरिजिन है इसका पेरू या मेक्सिको, क्रोमोसोम नंबर 40, एडिबल पार्ट फ्रूट है, ठीक है? आगे बात करते हैं समर स्क्वैश की,
मेक्सिको, पेरिया मेक्सिको, क्रोमोसोम नंबर 40, एडिपल पार्ट अलियो के बाकेस का फ्रूट है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सुपर स्पेस के बारे में। Chao, chao.
रेगुलेशन है फेनुग्रीक, ट्राइगोनेला फोइबुडा, पी में मटर और फ्रेंच बीन और कॉफी। ये क्या है, ये तीन फैमिली के अंदर ये तीन क्रॉप बनाती हैं। एक दो तीन चार पांच दस क्रॉप और है, ठीक है। दस ये हो गई और सात आठ दो क्रॉप थी, ठीक है। 17-18 क्रॉप के आप बोर्ड निकलने जो है वो देख लेना। फैमिली मैंने आपको बताई थी कि फैमिली ये होती है, बोर्ड में क्या देना है आपको, एक बोर्ड निकलने ओरिजन और क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। ये तीन चीजें आपको देखनी है। एडिबल पार्ट जो लेग्यूमिनेसी है, जो लेग्यूमिनेसी है, लेग्यूमिनेसी में जो होते हैं इनकी या तो पोड खाई जाती है, या तो फली खाई जाती है, या इनके सीड्स होते हैं, ठीक है। फेनुग्रीक के सीड्स यूज किए जाते हैं, मटर की पी जो होती है जो पोड्स किए जाते हैं, ठीक है। फ्रेंच बीन भी पोड्स और कॉफी भी पोड्स और सीड्स होते हैं, ठीक है। तो लेग्यूमिनेस में पोड्स और सीड्स है, ठीक है। एडिबल का पार्ट है जो मालवेसी में, मालवेसी में है फ्रूट है, मालवेसी का जो एडिबल पार्ट है वो फ्रूट है, ठीक है। मालवेसी में एक ही क्रॉप है ओकरा, ओकरा का एडिबल पार्ट क्या है, फ्रूट है। सोलेनेसी में फ्रूट है और स्टेम ट्यूबर है, एक पोटैटो को छोड़ के पोटैटो टिक्टो का क्या है ट्यूबर है, ट्यूबर या स्टेम है। बाकी सभी का क्या है, टोमेटो ब्रिंजल स्वीट स्वीट पेपर और चिली इसका क्या है फ्रूट है, ठीक है। खाने में क्या क्या डिफरेंट पार्ट क्या है फ्रूट है, ठीक है। अब इसमें क्या लगेगा आपका बोर्ड निकलने में ओरिजिन और क्रोमोसोम नंबर, ये तीन चीजें आपको देखनी है। इसमें मैंने डायपोड में मैंने आपको बता दिया फैमिली में कौन कौन सी तीन है, ये चार फैमिली एक मैंने पहले करवा दी थी बेटे से चार और 13 मैंने लगभग सब बता दी थी, 13-14-17 फैमिली होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हॉर्टिकल्चर 211 में जो आपका सेकंड टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल, इसमें बॉटनिकल क्लासिफिकेशन है जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, जो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन वो खत्म हो गया। अब बाकी जो अपना देखेंगे एडिबल पार्ट पे या किस पे जो है वो देखेंगे, रेस्पिरेशन पे या फिर ब्रीदिंग पे, ठीक है। वो देख लेंगे कल वाले लेक्चर में, देखेंगे कौन से जो वर्गीकरण है, किस टाइप के वर्गीकरण में डिस्कस करना है। तो इसमें फर्स्ट क्या है मैंने आपको बता दिया, मोनोकोट के डाइकोट क्या होता है, मोनोकोट होता है एक एम्ब्रियो, इसमें एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, डाइकोट में दो एम्ब्रियो होते हैं। टोटल वेजिटेबल की कितनी फैमिली है, 22 फैमिली है, ठीक है। मोनोकोट की कितनी, मोनोकोट की 5 है और डाइकोट की 17 है, ठीक है। डाइकोट की 17 है, इसमें मेन मेन कौन सी है, कुकरमेटेसी है, लेग्यूमिनेसी है, मालवेसी है, सोलेनेसी है, ठीक है। मेन मेन है क्यों, लेग्यूमिनेसी और सबसे ज्यादा वेजिटेबल की कौन सी फैमिली जिसमें सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स है, कौन सी है, कुकरमेटेसी, कुकरमेटेसी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया लेग्यूमिनेसी, मालवेसी, सोलेनेसी। लेग्यूमिनेसी में आपकी कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, फेनुग्रीक आती है, मटर आते हैं, फ्रेंच बीन और काउपी है, ठीक है। इसमें इनके बॉटनिकल नेम आपको देखने हैं, ओरिजिन आपको देखना है, क्रोमोसोम नंबर देख लेना, और जो उसके जो एडिबल पार्ट है वो पॉड्स और सीड्स है ज्यादातर, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं मालवेसी की, मालवेसी में एक ही क्रॉप है ओकरा, ओकरा की एडिबल पार्ट है फ्रूट है, बॉटनिकल नेम ओरिजिन और इसमें जो है क्रोमोसोम नंबर बहुत देखें। सोलेनेसी, सोलेनेसी में टोमेटो ऑनियन पोटैटो स्वीट पेपर और चिली, ठीक है। इनका एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट शो क्या है, एडिबल पार्ट है जो फ्रूट है फल, ठीक है। एक पोटैटो का क्या है स्टेम या ट्यूबर है, पोटैटो का स्टेम या ट्यूबर है, बाकी क्रॉस पे क्या है फ्रूट्स है, ठीक है। तो ये आप देख लेना। तो अपना जो आज जो क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल है जिसका तीसरा पार्ट चल रहा है, तीसरा पार्ट है वो खत्म हो गया। So thank you. Have a nice day.